ऐसी रचना एक चारण ही कर सकता था, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इतनी इतनी बारीकी से किसी चीज को पकड़ कर निकालना कि बच्ची माँ के गोदी में सो रही है, गिलास खाली करो, और उसने पीते पीते थन छोड़ दिया और दीपक की लो को देख के हंसने लग गई। तब चारण कवि ने लिखा कि धीम। ये दोहा चारण जाति के ऊपर जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी ने लिखा। ये किसी ना तो किसी चारण ने लिखा, ना किसी और किसी राइटर ने लिखा, ना किसी दूसरी जाति के आदमी ने लिखा, ना किसी छोटे मोटे आदमी ने लिखा। ये जोधपुर के सबसे पॉपुलर सबसे प्रसिद्ध राजा महाराजा मान सिंह ने लिखा, जो चारण कवियों को हाथी पर बैठा कर उनको जागीरी में गांव देते थे। तो उन्होंने क्या बोला, महाराजा मान सिंह जी ने लिखा चारण जाति के ऊपर, उन्होंने खुद ने लिखा कि अकल विद्या चित उजलो अधको घर आचार, वदता राजपूता विचे चारण बाता चार। अकल विद्या उज्जवल चित दिल साफ और घर के आचार विचार, इन चार बातों में आज भी चारण हम राजपूतों से आगे हैं। ये बात जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी ने लिखा, जो इतिहास के अंदर दर्ज है कि अकल विद्या चित उजलो अधको घर आचार, वदता राजपूता विचे चारण बाता चार। अकल विद्या उज्जवल चित और घर के आचार विचार, इन चार बातों में आज भी चारण हम राजपूतों से आगे हैं। ये महाराजा मान सिंह जी ने लिखा, जोधपुर महाराजा मान सिंह जी मारवाड़ के बहुत ही शक्तिशाली और अपने जमाने के सबसे प्रसिद्ध। मेटनो माँ करनी रो नाम, चरण शरण दे चारणी, उनकुन करूं प्रणाम। पहले के जमाने में जब लाइट नहीं होती थी, घर नहीं होता था, लोग झोपड़ों में रहते थे, दिया जलाते थे, तो एक माँ अपने बच्ची को दूध पिला रही थी और अचानक उस बच्ची ने अपनी माँ का थन छोड़ दिया और झोपड़ी के अंदर एक दिया जल रहा था, उस दीपक की लो को देख के हंसने लगी। तब चारण कवि ने लिखा कि धी हंसती, धी हंसती मतलब धीरे धीरे हंसती, धी हंसती थन छंडती, थन छोड़ दिया। छोटी सी बच्ची धीरे धीरे हंस रही है और थन छोड़ दिया। धी हंसती थन छंडती दीपक लोहे निहार, दीपक की लो को देख के हंस रही है, मायड़ जद ही जान की, माँ को उस दिन ही पता चल गया बेटी बलन विचार, ये एक दिन आगे जाके सती होगी। बस यही बोलू, ऐसी रचना एक चारण ही कर सकता था, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इतनी इतनी बारीकी से किसी चीज को पकड़ कर निकालना कि बच्ची माँ के गोदी में सो रही है और उसने पीते पीते थन छोड़ दिया और दीपक की लो को देख के हंसने लग गई। तब चारण कवि ने लिखा कि धी हंसती थन छंडती दीपक लोहे निहार, मायड़ जदी जानकी, माँ को उस दिन ही पता चल गया बेटी बलन विचार, ये एक दिन आगे जाके सती होगी। इस तरीके की रचना चारण ही कर सकते थे, कोई दूसरी जाति नहीं। जय हो, जय हो, जय हो।